सो फ्रेंड्स, पाव भाजी एक ऐसी डिश है जो हम सभी लोगों को बहुत प्यारी है, और उसमें अगर मुंबई की फेमस पाव भाजी हो तो सही में हमको बहुत मजा आ जाता है। और ऐसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पाव भाजी खाने के मजे ही कुछ और है। सो फ्रेंड्स, टुडे इज डे 23rd ऑफ 100 डेज ऑफ ईटिंग 100 फूड डिशेज, और मैं आपका भाई हर्ष कहार आपको लेकर आया हूँ बॉम्बे पाव भाजी में। यहाँ पे आपको एक वडोदरा में एक ऑथेंटिक मुंबई वाली पाव भाजी का आपको टेस्ट मिलेगा। यहाँ की लोकेशन की बात करें तो ये जगह लोकेटेड है तुलसागर मेन रोड पे शिवजी के स्टैचू के जस्ट सामने। सो फ्रेंड्स, यहाँ के मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको पाव भाजी में बहुत सारे वेरिएंट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको बटर पाव भाजी, मसाला पाव भाजी, फिर चीज पाव भाजी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर तवा पुलाव, कश्मीरी पुलाव, बटर पुलाव और चीज तवा पुलाव जैसे भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज सैटरडे नाइट है और आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे टेबल फुल है, मतलब बहुत ज्यादा वेटिंग है। और ये वडोदरा की पाव भाजी की बहुत अच्छी फेमस जगह, मतलब मुंबई में हम चौपाटी पे पाव भाजी खाते हैं ना, तो इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बोला था वडोदरा की चौपाटी है सुरसागर, तो वहाँ की फेमस है ये बॉम्बे पाव भाजी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बटर पाव भाजी रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा बटर इन्होंने ऊपर हमको डाल के सर्व किया है। और स्पेशलिटी में यहाँ की ये जो भाजी की कंसिस्टेंसी है ना, ये बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं कि भाजी बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। फ्रेंड्स, इसको खाते ही मतलब मुंह में एक बटर का ऐसा बॉम्ब फूटा होना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आई। मतलब आई जस्ट से वाओ, इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब आपने ना मुंबई में कोई पाव भाजी टेस्ट की होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये मुंबई की ऑथेंटिक पाव भाजी जैसा टेस्ट है। और जो मिक्स सब्जी है ना, मिक्स सब्जियों को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया गया है। कई बार क्या होता है, कई हम और जगह पर पाव भाजी टेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे पोटेटो का ज्यादा टेस्ट आता है, बट यहाँ पे आपको वैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको सारी सब्जियों का बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, और बीच में वो जो ग्रीन पीस होता है ना, उसका हल्का सा एक बाइट आता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बटरी तो बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ के बन की बात करें तो बन भी बहुत ज्यादा फ्रेश है, तो मतलब आपको एक चटपटा सा भी टेस्ट आएगा, हल्का खट। मेरे लिए पाव भाजी का मतलब है एक ऐसी भाजी जिसमें और थोड़ा चटपटापन, तीखा सा, फिर खट्टा भी होना चाहिए, फिर वो थोड़ी सी स्वीटनेस भी होनी चाहिए, सबका एक अलग ही मिक्स, एक अलग ही मिक्सचर, तब जाके मुझे पाव भाजी पसंद आती है। बाकी मैं बहुत सी जगह पर मैंने पाव भाजी ट्राई की है, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी हम जाते हैं और तब हम ट्राई करते हैं, बट वो मुझे जो परफेक्ट जो मेरा वॉन्ट होता है ना टेस्ट का, वो मुझे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उसमें जो चटपटापन और तीखापन, खट्टापन जो सब होना चाहिए वो नहीं होता है। इस वजह से मुझे यहाँ की पाव भाजी बहुत बेस्ट लगती है, क्योंकि यहाँ की पाव भाजी में वही टेस्ट है जो मेरे दिल को चाहिए, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। कश्मीरी तवा पुलाव रेडी हो चुका है, वो भी बटर के साथ। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक फूड डिश में बहुत ही ज्यादा बटर की क्वांटिटी है। तो चलो जल्दी से मैं बटर को मिक्स करता हूँ और टेस्ट करता हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा बटरी है। मतलब आप बोल सकते हो ना, पाव भाजी और तवा पुलाव में ज्यादातर टेस्ट बटर का ही होता है, तो बटर का टेस्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट ये जो पुलाव है ना, उसके अंदर के राइस भी बहुत अच्छे है, मतलब वेल कुक्ड है, और उसके साथ साथ इसमें इंडियन मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एक तवा पुलाव होता है ना, तो उसकी हल्की सी स्मोकीनेस रहती है अलग सी, तो सही में ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, आप जरूर इसको एक बार ट्राई करिएगा, बहुत मजा आएगा। और ये दोनों फूड डिश एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी करती है। मस्त एकदम स्मोकी सा, और एकदम जो राइस जो ऐसा छुट्टा सा होना चाहिए ना, खुला सा खिला हुआ था, वैसे राइस है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देख सकते हो पीछे फ्रेम कितनी अच्छी आ रही है, हमारे महादेव है, हर हर महादेव कमेंट में लिख दो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जरूर आप एक बार ट्राई करो, आपको यहाँ पर लोकेशन भी अच्छी मिलेगी और फूड भी अच्छा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, हमेशा बहुत ज्यादा रश रहता है, तो टाइम निकाल के आना, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। इनका जो प्रिपरेशन है ना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हाइजेनिकली आपको फूड मिलेगा, और खाने में टेस्ट में से आपको पता चल जाता है कि फूड में सारी चीजें फ्रेशली यूज की गई है, तो उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को है ना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों को हमारी फूड सीरीज के बारे में पता चले। और इफ आपको हमारी फूड सीरीज पसंद आ रही हो तो कमेंट में हमको बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, और आपको नेक्स्ट कौन सी फूड डिश चाहिए वो भी आप कमेंट में बताओ, तो हम आपके लिए वो फूड डिश लेके आएंगे। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो देख के चले जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है।
यार ये गलत बात है, आप सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।